हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा के एक साल कार्यकाल पर कांग्रेस के आरोप पत्र दाखिल करने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर कांग्रेस के आरोप पत्र में तथ्य सही नहीं पाए जाएंगे तो सरकार गलत आरोप पत्र दाखिल करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई करेगी। सरकार विपक्ष से सकारात्मक सुझाव आमंत्रित करती है, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए गलत आरोप लगाया सही नहीं है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को नहीं भूलना चाहिए कि उनकी पिछले 5 साल के कार्यकाल का आरोप पत्र भी सरकार के पास जांच के लिए विचाराधीन है। कांग्रेस के पास आगामी लोकसभा चुनावों के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह के गलत आरोप लगाकर कांग्रेस राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। चीजों पर वो चलेंगे, हमारे पास तो चार्जशीट पड़ी हुई है पहले, उन सारी चीजों पर भी हम विचार करने के लिए जो अगर वो अगर अनावश्यक होगी ठीक है पॉलिटिक्स हमको ठीक चलना चाहिए, ठीक काम करना चाहिए, सुझाव आमंत्रित हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर उन्होंने बेवजह के राजनीतिक दृष्टि से मनगढ़ंत आरोप लगाए तो उन आरोपों की जांच के बाद अगर वो सही नहीं पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से जो आरोप लगाने वाले होंगे उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती वो भी कार्रवाई करेंगे। और दूसरी बात, उनको इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी 5 साल की चार्जशीट हमारे पास अभी तक लंबी है, ध्यान रखना चाहिए। देश दुनिया अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए NV News YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।